जो नशे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है उसमें हमने एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पुराने में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही थी, तो जो नया नंबर है वो रहेगा 1800 120 20 48। फिर से मैं रिपीट करूँगा, 1800 120 20 48, 1800 120 20 48। तो ये तो लैंडलाइन नंबर है, साथ ही हमारा पुराना एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 88 140 22 600। रिपीट करूँगा ताकि लोग नोट करें इसको, 88 140 22 600, 8814022600। तो हमने तीन जो पुलिस के मुलाजिम हैं उनकी ड्यूटी सिर्फ इन नंबरों पे लगा रखी है कि आप जो भी सूचना दें उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके, और वो 24 घंटे इन नंबर्स को अटेंड करेंगे। एक उसमें रजिस्टर लगा दिया गया जिसका रोज़ एनालिसिस होगा, और साथ ही जो सूचना देंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, कहीं भी आपका नाम किसी को नहीं दिया जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन, जैसे आज एक कॉल आया तो वह अभी आ गई है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं कि कब वहाँ रेड करना है। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जो भी नशा तस्कर है उसकी सूचना दें आप, और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें हमको, अर्थात अगर आपके गांव में कोई नशा बेच रहा है तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि किस समय वो आता है वहाँ बेचने, किस समय जाता है, कहाँ उसका घर है, कहाँ उसने छुपा के रखा है। तो अगर वो और अच्छे से आप सूचना देंगे तो और हम अच्छे से इस पर जो है कार्रवाई कर सकेंगे। यानी आपको ऐसी सूचना देनी है कि कोई बाहर का भी आके यहाँ रेड करना चाहे तो उस जगह पहुँच जाए जहाँ पर करना है। तो जितना आप स्पेसिफिक इनपुट देंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और उससे मैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्रवाई कर सकेंगे। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसमें आप भी सहयोग दें और इन नंबरों पर हमें सूचना दें। जो कॉल कर सकते हैं उनके लिए फिर मैं बताऊंगा कि 1800 120 20 48 है नंबर, या फिर आप व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं 8814022600। और मैं अश्योर करता हूँ कि इसमें किसी का भी जो है नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, और जो अच्छा इसमें इन्फॉर्मेशन देगा जिस पे वर्क होगा उनको हम सूटेबली प्राइस भी देंगे, इंसेंटिवाइज भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। नहीं, उसमें इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि आप एक मैसेज बना के डाल दीजिए उसमें। आप व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते, SMS कर दें किसी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है। तो ये दूसरा नंबर है और इनका दोनों रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, और अब हमने 24 घंटे इसमें ड्यूटीज लगा दी है। सर, उसमें कई भी होता है कि जो कंप्लेंट व्यक्ति करता है बाद में उसका तस्कर को पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जान का खतरा हो जाता है, उसके लिए पुलिस क्या करती है? नहीं, उसमें बिल्कुल उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, और कोई किसी का वो नाम ना भी बताना चाहे तो नहीं बताए, वो बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें थोड़ा सा डिटेल आप अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, कि किस समय वहाँ पे नशा बिकता है, किस जगह है वो, क्या घर है, कहाँ उसने नशा छुपा के रखा है, उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। ताकि फिर मैंने बताया कि हमारी मल्टीपल एंटी नार्कोटिक सेल्स की टीम है और मल्टीपल CIA हैं, तो अगर कोई एलनाबाद में और वहाँ पे अगर एंटी नार्कोटिक सेल डब्बाली रेड करना चाह रहा है तो उनको मालूम हो कि क्या करना है उनको, तो उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि आप हमको बताएं कि हमको क्या करना है। मैं ये बोलूँगा कि आप ये समझिए कि आप स्वयं SP हैं और आपको किसी टीम को गाइड करना है कि यहाँ जाके रेड करें। तो जितना आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे उतना हम सक्सेसफुली रेड कर पाएंगे। तो सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा आप वैसी इन्फॉर्मेशन दें, और जितना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी के विषय में उतना ज़्यादा दें हमको। बाकी फिर मैं अश्योर करता हूँ कि इसमें किसी का भी जो है नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा, ना आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत है।